नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से दीपावली फेस्टिवल पे कर रहा है, कुछ विशेष कर रहा है और धमाल भी कर रहा है कि दीपावली विशेष पे लखनऊ की खास शख्सियत किस तरह से दीपावली फेस्टिवल को विशेष रूप से मना रहे हैं और क्या अनोखा कर रहे हैं, जहाँ पे हम आपको पूरे लखनऊ के लोगों से रूबरू करवा रहे हैं। व्यापारी गण को भी दिखा रहे हैं किस तरीके से व्यापारी अपने तैयारी में लगे हुए हैं, वहीं पर हम आपको समाज सेवक समाज सेविका की भी तैयारी दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ में डॉक्टर के गुप्ता जी हैं जो कि दांतों के विशेषज्ञ हैं, तो से हम बात करेंगे कि दीपावली फेस्टिवल पर वो सभी देशवासियों क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे दीपावली विशेष पर्व पर। तो आपका स्वागत है सर जी। थैंक यू। दीपावली पे मेरा संदेश देशवासियों यही है कि सब लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे और अच्छी रूप से दिवाली मनाए समाज के लिए, और कुछ ऐसा करे कि जिसमें पर्व भी मने और लोगों के लिए कुछ अच्छा भी कर पाए समाज के लोगों के लिए। अच्छी बात है। जिस तरीके से मैंने आपके क्लिनिक का जो मैं सर एक सर्वे किया, यानी कि मैं अंदर आई तो काफी अच्छा लगा। कहते दांतों का इलाज काफी महंगा होता है सर, तो आपके क्लिनिक पे अगर लोग आते हैं तो उनके लिए क्या इंतजाम रहते हैं और किस तरह की फीस रहती है सर? पहले तो मैं ये बता दूं कि दांतों का इलाज महंगा नहीं होता, जो इग्नोरेंस होती है वो महंगी होती है। जैसे एक सामान्य मैं अगर छोटा सा आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर आप दांतों का प्रॉपर चेकअप कराने जाते हैं तो दांत में अगर किसी बीमारी की शुरुआत होती है, सपोज कर लीजिए जैसे कीड़ा लगना या डेंटल कैरीज कहते हैं, तो शुरू में अगर आप उसका इलाज करा लीजिए तो वो शायद 1000-1500 रुपये में आपका इलाज हो जाएगा, दांत बच भी जाएगा और उसके लाइफ भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो आपका क्या होता है कि दांतों की लाइफ भी कम हो जाती है और ट्रीटमेंट भी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद अगला जो ट्रीटमेंट होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, रूट कैनाल से दांत बच जाते हैं बट उनकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है और उनमें क्राउन लगता है। तो जहां पे एक फिलिंग से 1000-1500 में बच सकता था, आप रूट कैनाल करके क्राउन लगवाएंगे तो 5000 से लेकर 10-12000 रुपए तक खर्चा आएगा। अगर वो स्टेज भी आप क्रॉस करके इग्नोरेंस किया और आपको दांत निकलवाना पड़ा तो दांत निकालने का भी पैसा देंगे, फिर बाद में आपको डेंटल इम्प्लांट या ब्रिज लगवाना पड़ेगा जो कम से कम 15-20000 रुपए से लेकर 50-60000 रुपए तक जाता है। तो इलाज नहीं महंगा है, इग्नोरेंस महंगा है। लोग सही समय पर सही जगह पर अगर तो इलाज महंगा नहीं है। जैसे गाड़ी के पीछे लिखा रहता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वैसे ही अपने शरीर पे अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो दुर्घटना तो घटेगी, चाहे आप इलाज के तौर पे पैसा खर्च करिए चाहे अपने दांतों को एकदम बेकार कर लीजिए। क्यों सर? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो सर ये बताइए दीपावली विशेष पे आपकी क्या तैयारी, किस तरह से दीपावली आप मना रहे हैं? दीपावली की विशेष तैयारी यही है कि बच्चों के साथ पहले घर में पूजा पाठ करेंगे थोड़ा शाम को, फिर बच्चों के साथ थोड़ा खेलेंगे कूदेंगे, उनके साथ थोड़ा गेम वेम खेलेंगे, पटाखे वगैरह, हालांकि पटाखों पे बैन है बट थोड़े बहुत जो ग्रीन पटाखे उनको जलाएंगे, और अपने जितने स्टाफ के लोग हैं उनके लिए गिफ्ट और मिठाइयाँ और उनके बच्चों के लिए गिफ्ट, ये सब यही सब हम लोग का दीपावली का है। इको फ्रेंडली आपने दीपावली मनाने की। हाँ, और मैंने बहुत सारे पौधे भी लगा रखे हैं अपने छत पे, तो उनकी भी मैं सेवा करता हूँ ताकि ग्रीन दिवाली रहे हमारी और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। तो मैं लोगों को और भी संदेश दूंगा कि दीपावली मना रहे हैं तो मनाइए, ज्यादातर वैसे पटाखों का मत प्रयोग करिए जो प्रदूषण करते हैं, कम प्रदूषण वाले पटाखों का प्रयोग करिए, साथ में कुछ ग्रीनरी करिए, पेड़ लगाइए, अगर आपके पास जमीन है तो पेड़ लगाइए, नई जगह है तो गमले में लगाइए, छत पे लगाइए। मतलब आप ये एक्सक्यूज मत करिए कि हमारे पास जमीन नहीं हम कहाँ लगाएंगे, आप गमले में भी एक सुंदर पौधा लगा के पर्यावरण में अपना हिस्सा पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छी संदेश दिया सर ने बताया। तो ये तो हमारे साथ में थे डॉक्टर के गुप्ता जी जो दांतों के डॉक्टर हैं, जिन्होंने बताया कि लापरवाही हमें किसी चीज़ में नहीं करनी चाहिए, हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए। तो वैसे ही दीपावली का जो फेस्टिवल है वो भी आप सावधानी के साथ मनाइए, पटाखे फोड़ाइए, मिठाई भी खाइए, लेकिन जो आपको नुकसान ना करे, क्योंकि कहते नहीं कि हर चीज़ की अति बहुत ख़राब होती है। तो इस तरह से दीपावली मनाइए अपने परिवार के साथ मिल करके कि कोई दुर्घटना ना हो। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि लखनऊ की खास शख्सियत किस तरह से दीपावली विशेष को विशेष किस तरह से मना रही हैं और सभी देशवासियों क्या शुभकामनाएं दे रही हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ में। हैप्पी दीपावली, साथ में धनतेरस तो चला गया है, भाई दूज और गोवर्धन पूजा की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।